नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम HDFC लाइफ के संचय पार एडवांटेज प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्लान में आपको लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनकम मिलेगा, यानी जब तक लाइफ एश्योर्ड जीवित हैं तब तक ये इनकम मिलता रहेगा। होल लाइफ कवर यानी 100 साल की एज तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। गारंटीड इनकम, इस प्लान में गारंटीड इनकम भी मिलेगा। ये तीन मेन बेनिफिट्स हैं इस प्लान के। इनकम को दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला है इमीडिएट इनकम ऑप्शन और दूसरा है डेफर्ड इनकम ऑप्शन। इमीडिएट इनकम ऑप्शन में आपको फर्स्ट ईयर यानी पॉलिसी के एक साल पूरा होने के बाद से ही इनकम मिलना चालू हो जाता है। ये इनकम कैश बोनस के रूप में मिलेगा। इनकम नहीं लेना चाहते हैं तो ये कैश बोनस इकट्ठा होता रहेगा और मैच्योरिटी के समय सम एश्योर्ड के साथ मिल जाएगा। डेफर्ड इनकम ऑप्शन में इनकम फर्स्ट पॉलिसी ईयर से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी PPT प्लस 1 ईयर के बाद से इनकम मिलना चालू होता है। इसी ऑप्शन में आपको गारंटीड इनकम भी मिलता है। ये गारंटीड इनकम कितने साल तक मिलेगा और कितना मिलेगा, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। यदि आप इस प्लान को यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए डिटेल में इस प्लान को समझ लेते हैं। की फीचर्स के बारे में जान लीजिए। 100 साल की एज तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस प्लान में जो रेगुलर इनकम मिलेगा उसे दो तरीकों से लिया जा सकता है। पहला है इमीडिएट इनकम ऑप्शन और दूसरा है डेफर्ड इनकम ऑप्शन। सर्वाइवल बेनिफिट्स यानी इनकम यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो पॉलिसी में सब इकट्ठा होता जाएगा और मैच्योरिटी के समय आपको सम एश्योर्ड के साथ मिलेगा। इस प्लान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको समझ लीजिए। एंट्री एज मिनिमम 30 दिन है और मैक्सिमम एंट्री एज इमीडिएट इनकम के लिए 65 साल है और डेफर्ड इनकम में 55 साल है। 8 साल के PPT के लिए, PPT यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म 60 साल है, 10 साल और 12 साल के PPT के लिए। मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 100 साल है क्योंकि ये होल लाइफ का प्लान है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इमीडिएट इनकम ऑप्शन में 6, 8, 10 और 12 साल है। डेफर्ड इनकम ऑप्शन में 8, 10 और 12 साल है। पॉलिसी टर्म 100 में से एज को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही पॉलिसी टर्म होगा। आप चाहें तो फिक्स पॉलिसी टर्म भी ले सकते हैं 30 से 40 साल का। मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एनुअल प्रीमियम 25,000 है, हाफ ईयरली 12,750 है, क्वार्टरली 6,500 का है और मंथली 2,188 रुपये का है। प्लान ऑप्शन, दो तरीके से आप रेगुलर इनकम को ले सकते हैं। पहला है इमीडिएट इनकम ऑप्शन, यानी आज आपने पॉलिसी लिया तो आपको एक साल पूरा होने पर रेगुलर इनकम मिलने लगेगा और मैच्योरिटी तक ये रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। मैच्योरिटी होने पर आपको लमसम अमाउंट भी मिलेगा। दूसरा है डेफर्ड इनकम ऑप्शन, इसमें कैश बोनस और गारंटीड इनकम दोनों मिलेगा। कब से मिलेगा ये रेगुलर इनकम? जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उसमें एक साल जोड़ दीजिए, उसके बाद से ही आपको रेगुलर इनकम मिलना चालू होगा। आगे हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से डिटेल में समझेंगे। इस ऑप्शन में भी मैच्योरिटी के समय एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। चलिए अब दोनों प्लान ऑप्शन को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इमीडिएट इनकम ऑप्शन का। लाइफ एश्योर्ड की एज 30 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल, प्रीमियम 1 लाख रुपया है हर साल का, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 8 लाख रुपया है, पॉलिसी टर्म 70 साल का है, यानी यहाँ 8 साल प्रीमियम देना है, 70 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगा और 70 साल तक इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। अब यहाँ फर्स्ट पॉलिसी ईयर से कैश बोनस मिलना चालू हो जाएगा और ये लगातार 70 साल तक मिलता रहेगा। उसके बाद मैच्योरिटी के समय क्या क्या मिलेगा उसको समझ लीजिए। पॉलिसी मैच्योर होने पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस अक्रूड कैश बोनस, यदि पहले नहीं लिया गया है तो जो भी कैश बोनस इकट्ठा हुआ होगा वो मिलेगा, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे यदि हुआ तो, प्लस टर्मिनल बोनस मिलेगा। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर कैश बोनस मिलेगा कितना। कैश बोनस 4% एज्यूम करेंगे तो 14,500 रुपये का कैश बोनस बनेगा। वहीं यदि कैश बोनस 8% एज्यूम करके चलेंगे तो 30,000 का कैश बोनस बनता है। ध्यान रखिएगा ये एज्यूम्ड रिटर्न है, ये गारंटीड रिटर्न्स नहीं है।
अब मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा? देखिए, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 8 लाख रुपए का है, तो 8 लाख रुपए प्लस टर्मिनल बोनस 10,31,000 रुपया है, टोटल 18,31,000 रुपए मैच्योरिटी के समय मिलेगा। ये 4% के हिसाब से बता रहा हूँ। 8% के हिसाब से सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी तो सेम ही रहेगा 8 लाख रुपए, टर्मिनल बोनस बढ़कर हो जाएगा 1,59,34,000 रुपए, तो टोटल बेनिफिट्स यहाँ हो जाएगा 1,67,34,000। अब डेथ बेनिफिट को भी समझ लेते हैं। लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस अक्रूड कैश बोनसेस यदि पहले नहीं दिया गया है, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट, प्लस जो भी टर्मिनल बोनस डिक्लेयर होगा, ये सब लमसम के रूप में एक साथ मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में 1 लाख के प्रीमियम पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 8 लाख रुपए है और सम एश्योर्ड ऑन डेथ 12,50,000 का है, तो लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर 12,50,000 प्लस अक्रूड कैश बोनसेस यदि पहले नहीं दिया गया है तो ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट प्लस टर्मिनल बोनसेस, ये सब एक साथ मिलेगा नॉमिनी को। इसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब दूसरे एग्जाम्पल में डिफर्ड इनकम ऑप्शन को समझ लेते हैं। लाइफ एश्योर्ड की एज यहाँ भी 30 साल, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपया, पॉलिसी टर्म 70 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 8 लाख रुपया, सम एश्योर्ड ऑन डेथ 12,50,000 रुपए का है। डिफर्ड इनकम ऑप्शन में कैश बोनस और गारंटीड इनकम दोनों मिलता है। ये इनकम कब से मिलेगा? पीपीटी प्लस 1 ईयर के बाद से ये इनकम मिलना चालू हो जाता है, यानी यहाँ 8 साल का पीपीटी है तो इसमें 1 साल जोड़ दीजिए तो हो गए 9 साल, तो रेगुलर इनकम जो मिलेगा वो 9 साल के बाद से यानी 10वें साल से मिलना चालू हो जाएगा। कैश बोनस 100 साल की एज तक मिलता रहेगा, लेकिन गारंटीड इनकम सिर्फ गारंटीड पीरियड तक ही मिलता है, जो कि इस एग्जाम्पल में 25 साल का है। अब ये 25 साल कैसे आया इसको भी समझ लेते हैं। 25 साल और पॉलिसी टर्म माइनस पीपीटी प्लस 1, इन दोनों में से जो कम होगा उतने साल ही आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पॉलिसी टर्म 70 साल माइनस करेंगे पीपीटी प्लस 1 ईयर, यानी 8 + 1 = 9 साल हो गए, तो 70 साल माइनस 9 साल बचा 61 साल, तो 25 साल और 61 साल दोनों में 25 साल कम है, इसलिए गारंटीड इनकम यहाँ 25 साल ही मिलेगा। गारंटीड इनकम कितना मिलेगा इसको आप इस टेबल से समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ लाइफ एश्योर्ड की एज है और दूसरी तरफ प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 8 साल के पीपीटी में एनुअल प्रीमियम का 28% गारंटीड इनकम मिलेगा, 10 साल के पीपीटी में एनुअल प्रीमियम का 40% गारंटीड इनकम मिलेगा और 12 साल के पीपीटी में एनुअल प्रीमियम का 50% गारंटीड इनकम मिलेगा। इस एग्जाम्पल में 8 साल के पीपीटी पर 28,400 रुपये का गारंटीड इनकम मिलेगा। ये गारंटीड इनकम 25 साल तक मिलेगा। अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। लाइफ एश्योर्ड ने 8 साल तक 1,00,000 रुपये का प्रीमियम दिया, 10वें साल से कैश बोनस मिलना चालू हो जाएगा, साथ ही साथ 10वें साल से 28,400 का गारंटीड इनकम भी मिलेगा। गारंटीड इनकम यहाँ 25 साल तक ही मिलेगा, यानी 10वें साल से 34वें साल तक कैश बोनस और गारंटीड इनकम दोनों मिलेंगे, उसके बाद 35वें साल से मैच्योरिटी तक कैश बोनस ही मिलेगा। पॉलिसी मैच्योर होने पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि 8 लाख रुपए है, अक्रूड कैश बोनस यदि पहले नहीं लिया गया है तो, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट प्लस टर्मिनल बोनस मिलेगा। यहां से आप मैच्योरिटी अमाउंट का अनुमान लगा सकते हैं। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी तो फिक्स है 8 लाख रुपए, यदि 4% का रिटर्न अज्यूम्ड करके चलेंगे तो टर्मिनल बोनस 15,22,000 रुपए का होगा, टोटल बेनिफिट 23,22,000 रुपए का बनेगा। वहीं 8% इंटरेस्ट रेट अज्यूम करके चलेंगे तो टर्मिनल बोनस 53,60,000 का होगा और टोटल बेनिफिट 61,60,000 का होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 4% और 8% सिर्फ अज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं, ये गारंटीड नहीं है। जब तक गारंटीड इनकम मिलता है उस दौरान कैश बोनस का रेट कम रहता है, यानी 10वें साल से 34वें साल तक कैश बोनस का रेट कम रहेगा, जिसे यहाँ दिखाया गया है। 35वें साल से कैश बोनस का रेट बढ़ जाएगा, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस ब्रोशर में 2-3 जगह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइपिंग एरर है, या ये भी हो सकता है
कि मैं इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ देखिए, एज्यूम्ड रिटर्न 4% और 8% में इतना फर्क कैसे हो सकता है। 4% पर 1100 रुपये और 8% पर 42,600 रुपये का बोनस दिखाया गया है। मेरे हिसाब से इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए। अब ये टाइपिंग एरर है या मुझसे समझने में भूल हो रही है, खैर जो भी हो, प्लान लेने से पहले आपको अपने एडवाइजर या फिर HDFC के ब्रांच में जाकर इसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डेथ बेनिफिट। लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होने पर नॉमिनी को सम इंश्योर्ड ऑन डेथ, जो कि इस प्लान में 12,50,000 का है, प्लस अक्रूड कैश बोनसेस एंड गारंटीड इनकम यदि पहले नहीं दिया गया है तो ऐड कर दिया जाएगा, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट प्लस टर्मिनल बोनस, ये सब एक साथ लमसम के रूप में नॉमिनी को दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट मिलने के बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। पॉलिसी लोन, इस प्लान में आपको पॉलिसी लोन की सुविधा भी मिलती है। सरेंडर, इस प्लान को यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा ये सब कुछ बेनिफिट इलस्ट्रेशन में लिखा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने साल पॉलिसी चलाने पर कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा। किसी भी बोनस वाले प्लान को यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि फोर्थ ईयर में पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो 2,47,000 रुपया मिलेगा, जबकि 4,00,000 रुपये तो आपने प्रीमियम ही दे दिया। बोनस वाले प्लान में लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है, इसलिए सोच समझकर प्लानिंग करें ताकि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। निवेश करने से पहले बेनिफिट इलस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें, खास करके सरेंडर बेनिफिट्स के बारे में। तो ये था संचय पार एडवांटेज प्लान का पूरा डिटेल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।